मंसूर सईद के बारे में बहैसियत बाप जो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि उनके बच्चे उनके सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं, मतलब उनके सिर्फ जिस्म से पैदा नहीं हुए थे, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थे, उनकी आइडियोलॉजी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी, इसलिए हम ऑटोमेटिकली उनकी आइडियोलॉजी का भी हिस्सा थे। बग़ैर इम्पोज़ किए हुए, बग़ैर, जैसा कि मैं अक्सर देखती हूँ कि जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है या जो भी आपकी आइडियोलॉजी है, जिस तरह की भी है, माँ बाप आमतौर पर चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके जैसे हों, वो उन्हीं बातों में बिलीव करें जिनमें वो बिलीव करते हैं। और यकीनन मंसूर सईद भी ऐसा ही चाहते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी स्टेज पर हमें ये नहीं बताया कि हमें ऐसा करना है। हमारी अपनी जर्नी थी, हमारा अपना सीखने का प्रोसेस था, हमारे अपने रास्ते थे, और उन रास्तों पे वो हमेशा हमारे साथ थे। लेकिन जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने जी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और उसका इतना असर था हमारे ऊपर कि हम उन रास्तों से बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं हैं अभी भी। हालांकि हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक उनकी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन उससे बहुत दूर भी नहीं है। और जो जैसा आपने कहा कि आम तौर पे जिस तरह की पॉलिटिक्स वो करते थे उससे अपने बच्चों को दूर रखा जाता है, ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं जिन लोगों के साथ बड़ी हुई वो सब उनके कॉमरेड्स के बच्चे थे और वो सब इसी में इन्वॉल्व थे, और किसी न किसी तरह, किसी न किसी लेवल पे वो उन अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालदैन के साथ शामिल थे। मुझे याद नहीं कि कोई ऐसी जगह थी कहीं भी, कितनी भी ख़तरनाक क्यों नहीं थी, वहाँ कितना रिस्क क्यों नहीं था, मुझे याद नहीं कि कोई ऐसी जगह थी जहाँ अबू हमें नहीं लेकर गए। जब हमने थिएटर करना शुरू किया तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे लाठी चार्ज का, गिरफ्तारियों का भी खतरा होता था, मगर हम जाते थे और करते थे। जब मैं 7वीं जमात में थी तो उन्होंने कहा आप वक्त ज़ाया करती हैं, वक्त क्यों ज़ाया करती रहती हैं, काम वाम क्या करें। तो उन्होंने मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था साथी बारड़ा संगत, और पूरे सिंध में थी और हम वॉलंटरीली उसमें काम करते थे, और 18 साल की उम्र को पहुंच के हम रिटायर हो जाते थे क्योंकि हम फिर बच्चे नहीं थे, फिर हम अडल्ट थे। तो वो इट वाज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द चिल्ड्रन बाय द चिल्ड्रन। तो उसमें हमारी कुछ तालीम का भी सिलसिला था, आइडियोलॉजिकल तालीम का भी सिलसिला था, उसमें कुछ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का भी सिलसिला था। हम टाइम वॉलंटियर करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, हमारी एक मोबाइल लाइब्रेरी हमने बनाई थी, उसके लिए हम किताबें डोनेट करने के लिए कैंपेन्स करते थे जो बच्चों के लेवल पे पॉसिबल है। और उस वक्त मैं तारक रोड पे रहती थी और मैं 2 बसें बदल कर रणछोड़ लाइन जाती थी और आती थी, और मुझे अपना होमवर्क भी करना होता था, और मुझे थिएटर भी, जो जो भी उस वक्त थिएटर हो रहा था उसमें मैं शामिल थी, एक्टिंग भी करती थी, रिहर्सल्स का भी हिस्सा होती थी। तो कोई ऐसा मोमेंट मुझे ज़िंदगी का याद नहीं है जब मैं अब्बू की पॉलिटिक्स का या उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं थी, विदाउट हिम टेलिंग अस के ये करो और ये ना करो और ये सही है और ये सही नहीं है, और बग़ैर ये बताए हुए कि फ़लाने साहब ने ये कहा है और फ़लानी थियोरी ये है। ही लिव्ड हिज आइडियोलॉजी एंड दैट इज़ हाउ वी सी इट ऑल्सो। आइडियोलॉजी इज़ नॉट अबाउट टॉक, इट इज़ नॉट वॉट यू से, इट इज़ हाउ यू लिव। अच्छा ये बताइए कि वो अपनी सारी जिंदगी इस पर CPIM के साथ वो वाबस्ता रहे, पाकिस्तान जब वो आए यहाँ पर उन्होंने काम किया, तब तक पूरी जिंदगी CP के साथ वाबस्ता रहे, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें शुरू में जो काम होता था वो अंडरग्राउंड होता था, और फिर उसके बाद जो आखिर में चंद लोग रह गए वो 8, 10, 15, 20 लोग रह गए जो अपनी काबीना बुला के या कॉन्फ्रेंस बुला के काम करते। आपने इस दौरान, चूँकि आप जाहिर सी बात है उससे करीब रहे, आपने कभी उनके आइडियोलॉजी से शेकन होते हुए देखा कि या वो क्लैरिटी इतनी थी कि चाहे चंद लोग ही क्यों ना हो हमें हिलना नहीं? नेवर, नेवर, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड हैव आई सीन हिम शेकन। परेशान होते थे क्योंकि उनके पास जो सियासी समझ और फहम थी, मेरा ख़्याल है वो जो दूर अंदेशी थी, बहुत सारी बातें वो पहले से देख सकते थे और समझते थे, और हालात जिस तरह बिगड़ रहे थे और जिस तरफ जा रहे हैं शायद वो देख सकते थे और परेशान होते थे। बट नेवर हैव आई सीन हिम शेकन और थिंक कि इसके अलावा कोई ऑप्शन है।
अच्छा ये जब सोवियत यूनियन का डिफेक्टर हुआ और फिर आपको पता है वो जितने भी लेफ्टिस्ट ग्रुप्स हैं उनमें जो 25 टेंडेंसीज आ गई हैं, यू नो, एक खास स्टालिनिस्ट टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते थे, एक पार्टी की एक लाइन होती है, एक पॉलिसी होती है। आपने कभी उनको वर्ड देखा कि इतने ढेर सारे लेफ्टिस्ट के ग्रुप्स हैं, ये एक साथ क्यों नहीं होते, एक साथ जद्दोजहद करें, हैं भी चंद लोग, इसके लिए वो क्या एफर्ट करते थे? कभी कोई आर्ग्यूमेंट होता था आपका कि भाई ये तो काम नहीं होने वाला, आप किन चक्करों में लगे हैं, 4 लोग इधर हैं, 5 लोग इधर हैं, और इतने बड़े मास पॉलिटिक्स में आप जाते नहीं हैं, आप रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स सिखाए हैं, तो क्यों कर रहे हैं आप ये तमाम? आप एज अ डॉटर डिड यू एवर आर्ग्यू विद हिम? ऑल द टाइम मेरी उनकी बहुत लड़ाई होती थी। एक सर्टन एज के बाद हम बाप बेटी, एक सर्टन पॉइंट के बाद हम बाप बेटी नहीं थे, वी वर कॉमरेड्स, वी वर, और वो मुझे बहुत शुरू से ही, हम दोनों बच्चों को वो बच्चों की तरह नहीं समझ, दोस्तों की तरह ट्रीट करते थे और आर्ग्यूमेंट भी उसी तरह करते थे। और इनफैक्ट मैं एक अम्मी से अब मैं थोड़े दिन पहले कह रही थी कि मुझे महसूस होता है कि उनके जाने के बाद मुझे इतने लोग मिले, यंग पीपल लाइक यू, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मेरे कज़न्स जो मुझसे 20 20 साल उम्र में छोटे हैं, मैं कह रही थी क्या बातें करते हो तुम उनसे, वो पता नहीं क्या घंटों बातें उनसे करते रहते थे और उनसे बेहतरीन उनकी दोस्तियां थी। वो शाम को एक दिन मैंने फ़ोन किया, पता चला जी सारे शाम को वहाँ जमा है, भाई हैं अब्बू के पास क्या कर, वो बहस चल रही है, एंड यू नो, तो हर तरह की बात, हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह का कंसर्न उनके सामने रखा जाता था, चाहे मेरा हो, चाहे मेरे बहन भाइयों का हो, मेरे कज़न्स का, उनके सामने रखा जाता था, और वो उसका जवाब भी देते थे, और चाहे हम कन्विंस हों या ना हों, उस वक्त हों या ना हों, मगर वो अपनी बात ज़रूर कहते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, अब्बू को मैं कहती थी बहुत बदमाश आदमी था, बहुत अपनी बात इस तरह से कहते थे कि उस वक्त आप गुस्से में कहें नहीं ये फलाना नहीं, वहाँ अब्बू के घर से यहाँ तक आते आते मेरे दिमाग में वो बात रिजॉल्व होना शुरू हो जाती थी। तो बात कहने का, अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहने का जो तरीका था और जो अंदाज था, वो सिर्फ उस क्लैरिटी से आता है जो अब्बू के पास थी, अपनी आइडियोलॉजी की, अपनी अपनी पॉलिटिक्स की क्लैरिटी से आता है, और उस ऑनेस्टी से आता है जिसमें आप, जिसके साथ आप अपनी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। टेम्प्रेरली हो सकता है वो चीज़ें गलत, अच्छा, और वो कोई ये कोई स्टैटिक चीज़ तो है नहीं, वो उसके इवॉल्व होने में, उसकी तब्दीली में, उसको बेहतर बनाने में, उसको चेंज करने में बिलीव करते थे। ठीक है, ये हमने ये चीज़ ट्राई की, ये नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट चीज़ ट्राई करो, दूसरा ऑप्शन ट्राई करो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, बिल्कुल। वो जो आप कह रहे हैं कि इतने सारे लेफ्टिस्ट ग्रुप्स बन गए थे, बिल्कुल ये कोई खुशी की बात नहीं थी उनके लिए भी, आई एम श्योर, लेकिन उन्हें और इंटरनली शायद बहुत लड़ाई भी होती होगी, ज़रूर होती होगी, पॉलिटिकल लड़ाई भी होती होगी कि कौन सा ग्रुप सही है, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू सही है या गलत है, मगर ये सब तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये सब तो आपकी सोच की डेवलपमेंट का, आपकी सोच की बेहतरी और प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन का तो हिस्सा है ना, दिस इज़ व्हाट इट वाज अबाउट, और यही पॉलिटिक्स है जो आपको रिजिड रेजिमेंटेटिव पॉलिटिक्स से या रुजत पसंद अनासिर से आपको मुख्तलिफ करती है। आई एम श्योर ऐसे भी इन्फ्लुएंसेस होंगे विद इन द लेफ्टिस्ट ग्रुप्स भी ऐसे होंगे जिनसे बिल्कुल अब्बू इख्तिलाफ़ नहीं करते होंगे, लेकिन इख्तिलाफ तो एवोल्यूशन का हिस्सा है। पता नहीं, शायद वो इतने मल्टीपल रोल्स वो हमारी ज़िंदगी में प्ले कर रहे थे कि यकीनन कहीं ना कहीं हर आदमी चूक जाता है, मैं भी एज अ डॉटर बहुत जगह चूक गई होंगी, कुछ जगह वो चूक भी जाते थे, मेरी उनसे बहुत लड़ाई होती थी, बराबरी से होती थी, लेकिन मैं शायद मैं सबसे ज़्यादा क्लोज भी उन्हीं से थी। और घर में तो हमें कभी पता ही नहीं चला, ये जैसे घर में होता है ना, ये काम इसका है, ये काम इसका है, ये काम ये करे, ये काम ये करे, ऐसा कोई सीन नहीं था हमारे यहाँ, सब एक एक, यू नो, देयर वाज नो हायरार्की इन द हाउस, एवरीबडी वाज इक्वल आफ्टर अ सर्टन टाइम, इवन व्हेन जब हम बहुत छोटे बच्चे भी थे तो हमारे ओपिनियन की बड़ी वैल्यू थी, हम अपने अब्बू को जो भी ओपिनियन देते थे उसकी वैल्यू थी, और कभी कभी हमें तमीज़ नहीं थी इख्तिलाफ़ करने की, तो हम ज़रा बदतमीज़ी से भी इख्तिलाफ़ करते थे,
मगर वो पेशेंस और वो कमाल, मतलब अब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ क्या ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, बात सुनना, और अब्बू को बात सुनने का आर्ट आता था। ये बताइए कि उन्होंने थिएटर बहुत किया और यहाँ पे खास थिएटर की बुनियाद भी डाली है, आप एज अ आप उसको प्रोफेशनली अगर देखें तो आप उसे किस हवाले से देखती हैं कि कितना अहम काम था वो कराची में, खासतौर पर सिंध के एरिया में उन्होंने बहुत थिएटर किया, और उसको आप किस तरह देखती हैं आज के तनाजुर में कि अगर वो चीज़ ना डाली गई होती तो आज ये चीज़ें ना तब्दील हुई होती हमारे समाज में। उस वक्त 80s में वो काम होना नागुजर और बहुत ख़तरनाक था, और जब किया गया वो बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू का इंसान ही था, लोग थे रादर, नॉट जस्ट माई फादर, उन्होंने शायद इनिशिएट किया होगा और दोस्तों के साथ मिलकर, लेकिन वो एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उस ग्रुप को साथ रखना, साथ साथ उसकी नज़रियाती नशोनुमा भी करते रहना, डायरेक्शन ठीक रखना उस काम की, हाँ ये काम ज़रूर उस पूरे ग्रुप ने मिलकर, और उसमें अब्बू का बहुत अहम किरदार है। ऐसे वक्त में जब सांस लेने को भी जगह नहीं थी, एक एक्सप्रेशन डिवेलप कर देना एक बहुत बड़े ग्रुप का, उस वक्त ये ग्रुप बहुत बड़ा था, और एक ऐसी ऑडियंस के लिए उसकी बात एक्सप्रेस करना बहुत अहम काम था, और साथ ही साथ सिर्फ दस्तक नहीं जो थिएटर ग्रुप उन्होंने बनाया था, और छोटे ग्रुप्स को भी इन्फ्लुएंस करना, उनको इंस्पायर करना, शायद उन्होंने खुद जाकर बहुत जगह थिएटर नहीं किया, लेकिन दस्तक की वजह से बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स बने, रास्ते खुले, लोगों को आइडियाज़ आए, उन्होंने कहा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जिस तरह के लोग इकट्ठे जुड़े एक प्लेटफॉर्म पे जो बिल्कुल मुख्तलिफ सियासी नज़रियात भी रखते थे, जो ज़रूरी नहीं है कि लेफ्टिस्ट सोच रखते थे वो, और उसका उस थिएटर का लेफ्टिस्ट सोच से डायरेक्टली कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था, वो ऐसे लोग थे जो प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले लोग थे, जो डेमोक्रेसी की स्ट्रगल के साथ जुड़ने वाले लोग थे, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर जाना उस वक्त बहुत अहम काम था, बहुत। उसके बाद जो अब्बू ने जिस तरह के प्लेज अब्बू ने ट्रांसलेट किए वो बहुत अहम प्लेज हैं, आज भी मैं समझती हूँ उनकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, और वो प्लेज होने चाहिए, होते रहने चाहिए। फिर जो किताबें अब्बू ने ट्रांसलेट की, कॉस्मोस, असेंट ऑफ मैन, ये वो किताबें हैं जो 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 रोशन ख्याल सोच के लिए, जो प्रोग्रेसिव सोच के लिए, जो बिल्कुल बेसिक्स समझने के लिए, अपनी दुनिया के बारे में, कायनात के बारे में, इंसान के बारे में, समाज के बारे में, ये बहुत अहम किताबें हैं, और इनको हमने पिछले साल उनकी सालगिरह पर गैलीलियो पब्लिश किया उनका प्ले, जो बहुत अहम काम है मैं समझती हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे वालिद हैं, बल्कि मैं एज अ थिएटर पर्सन मैं समझती हूँ कि वो एक बहुत अहम काम था और एक बहुत अच्छा ट्रांसलेशन था, वो हमने पब्लिश किया, और इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉस्मोस को दोबारा से पब्लिश करें, कायनात के नाम से उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, फिल्म भी ट्रांसलेट की और किताब भी ट्रांसलेट की, तो हम दोनों चाह रहे हैं कि हम दोबारा उसे पब्लिश करें। तो वो बिल्कुल, और एक नौजवान की हैसियत से उस वक्त, क्योंकि मैं अब्बू के साथ थी जब कॉस्मोस वो ट्रांसलेट कर रहे थे, जब आप बात कर रहे थे ना कि कहाँ आपको लगा कि वो चूक गए, या अब वो किसी को जो वो जिसने वो ज़िंदगी नहीं देखी उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। जब कॉस्मोस ट्रांसलेट कर रहे थे अब्बू, तो मैंने कहा मुझे पॉकेट मनी बढ़ानी है, तो उन्होंने कहा ठीक है काम कीजिए, आपको काम के पैसे दूंगा और आप पॉकेट मनी हो जाएगी आपकी। मैंने कहा हाँ ठीक है बताएं। तो कॉस्मोस के जो पूरा स्क्रिप्ट था वो कैसेट्स पे था, तो मैं वॉकमैन पे वो सुनती थी, उसको अंग्रेज़ी में लिख के अब्बू को देती थी, अब्बू उसे उर्दू में ट्रांसलेट करते थे, मैं उस ट्रांसलेशन को फेयर करती थी, और फिर वो
डबिंग के लिए जाता था, अब्बू से प्रूफ रीड करते थे और फिर वो डबिंग के लिए जाता था। तो वो पूरी किताब, वो पूरा स्क्रिप्ट मैंने ना सिर्फ अंग्रेज़ी में सुना लिखा, उर्दू में सुना पढ़ा और लिखा। तो वो जो बात आप करें कि कहाँ कहाँ उन्होंने आपको अपने साथ रखा, हर लम्हे, हर वक्त, हर चीज़ में हम उनके साथ थे। जब बच्चे बाहर गली में क्रिकेट, गिल्ली डंडा खेल रहे होते थे, हम दस्तक की रिहर्सल कर रहे होते थे गैलीलियो की, तो वी वर फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट ऑल टुगेदर। अच्छा ये बताइए कि इस दौरान कभी उनको कभी इस तरह की थ्रेट्स मिली, या जो जैसे एक सप्रेस सोसाइटी में जब आप रह रहे होते हैं और एक डिक्टेटोरियल रिजीम के अंडर आप इस तरह के काम कर रहे होते हैं, शदीद रियासत के खिलाफ जिनकी कतई इजाजत नहीं है, तो उस दौरान आप लोग और दूसरे बाद में जब एक्सट्रीमिज्म की जो एक प्रॉपर वेव है जिससे वो आखिरी दम तक एक वाले से लड़ते रहे, आप लोगों को कभी थ्रेट्स मिली या उनको, या कोई ऐसा वाकया पेश आया जिससे आपको लगा कि यार दिस इज गेटिंग बियॉन्ड द लिमिट्स? यू नो समहाउ जब अंडरग्राउंड काम कर रहे होते हैं थ्रेट तो होती है, लेकिन वंस इट्स ओवर देन यू फील लाइक गॉड। हाँ ऐसे वक्त भी आए, लेकिन चूंकि हम सब साथ थे और हमें, हमारे लिए ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई थी कि ये सब हमारे काम का हिस्सा है और ये सब हो भी सकता है। और हमने अपने नाना को भी देखा, सफदर हाशमी की डेथ भी हमने देखी इंडिया में, और भी बहुत सारे साथी हमने देखे, तो कहीं ना कहीं यकीनन उसके लिए हम प्रिपेयर्ड भी थे कि ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। और ये भी साथ साथ हमें तैयार किया जाता था और किया जाता है कि जब आप किसी चीज़ में बिलीव करते हैं वो ख़तरनाक भी हो सकती है, लेकिन जब आप उसमें बिलीव करते हैं, ऑनेस्टली बिलीव करते हैं और वही आपकी और आप उसी सिम्त में अपनी ज़िंदगी को लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उस ज़िंदगी का हिस्सा है। तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर थे। होता था अक्सर कि हमें पता होता था कि आज फलाने ने फलाने को फॉलो किया, आज फलाना फलानी जगह देखा गया, फलाना आदमी जो है फलाना है, ये सब पता होता था। अच्छा ये बताइए सानिया कि तो बस आप भी दो क्वेश्चन हैं आपसे, कि एक तो ये कि आप उनमें एज अ फादर, एज अ मैन, एज अ कॉम्रेड, एज अ प्रोफेशनल, एज मंसूर सईद, कौन सी ऐसी दो तीन खास बातें जो आप समझती हैं वो उनकी इंटेग्रिटी, उनके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, जिनको नई जनरेशन अगर उनके बारे में सोचे या उनके बारे में उनसे आइडेंटिफाई कर सके कि यस दिस वाज द मैन हु गेव अस दिस दिस एंड दिस अपार्ट फ्रॉम द आइडियोलॉजी व्हाट अ मैन शुड बी लाइक, यू नो वो क्या चीज़ आप समझती हैं? फॉर इंस्टेंस आई डोंट नो, आई जस्ट नो कि ही वाज अ पोलाइट, काम, यू नो, क्वाइट मैन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आपको कोई वो लाइट हार्टेड भी मोमेंट्स होते होंगे आपकी ज़िंदगी में, कोई ऐसा वाकया हो जो आप शेयर करना चाहें, जो जो अच्छा दी आई थिंक द टू आर रिलेटेड, द टू क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे अब्बू की पर्सनैलिटी में लगती है, आई थिंक वॉट मेक्स अ मैन इज हिज इंटेग्रिटी ऑफ वॉट ही लिव्स बाय। जिस चीज़ में उन्होंने बिलीव किया उनकी सारी ज़िंदगी उसका रिफ्लेक्शन है। उसमें कोई मिलावट नहीं थी, उसमें कोई झूठ नहीं था, उसमें कोई धोखा नहीं था, उसमें कोई रिग्रेट नहीं था। अच्छे वक्त भी आए, बुरे वक्त भी आए, मुश्किल वक्त भी आए, बहुत आसानी से भी बहुत वक्त गुजर गया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, मुखालफत भी की, साथ भी दिया, इस सब को साथ रखते हुए उन्होंने हर रोज़ अपनी सोच, अपने यकीन, अपनी बिलीफ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ गुजारा। एंड आई थिंक यही वो चीज़ है जो आपकी बाकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के ऊपर छलक जाती है। कॉन्शियंशियस लाइफ गुजारना, कि छोटा सा फैसला भी कितना दूर तक असर रखता है ये देख पाना। इल्म दोस्ती मुझे लगता है एक बहुत अहम चीज़ थी, कि आखिर वक्त तक
आप अगर उनका घर जाके देखेंगे तो उनको अभी लेटेस्ट शौक जो हुआ था वो मछलियों का हुआ था, और मछलियाँ, मछलियों के कुछ 6-8 एक्वेरियम्स उन्होंने हमारे लिए विरसे में छोड़े, जो वाहिद विरसा है हमारा किताबों के अलावा। वो अगर आप देखें तो जब मैं सफाई कर रही थी सामान की तो मैंने कहा ये क्या है, इतना बंडल था, मैंने कहा ये क्या है, तो अम्मी ने कहा पता नहीं देखो क्या है, वो सब प्रिंट आउट थे, ही वॉज रीडिंग अप ऑन फिश, क्योंकि वो उन्होंने वो पालनी शुरू की थी मछलियाँ, तो वो मछलियों के बारे में कुछ पूछ लें दुनिया की किसी मछली के बारे में, ही न्यू इट, क्योंकि अब उन्हें मछलियाँ पालने का शौक हो गया। कोई 12-15 साल पहले उन्हें पौधों का शौक हुआ था, और इसी तरह की थद्दियाँ किताबें, तस्वीरें, प्रिंट आउट, पैम्फलेट्स, रैपर्स, चीज़ें हमने रद्दी में दी जो वो पढ़ चुके थे प्लांट्स के बारे में। उनकी तस्वीरें हैं कुछ जो दोस्तों ने छुप के खींची, इस्लामाबाद में थे वो, तो पौधों से बातें कर रहे थे, हम बहुत उनका मजाक उड़ाते थे कि आप क्या बातें कर रहे थे, बता दें आप ये फूल से क्या कह रहे थे, अब्बू पकड़े गए करके हमने बहुत अब्बू का, बट ही वॉज टॉकिंग टू द प्लांट्स, ही वॉज यू नो। फिर उनको बर्ड्स का शौक हुआ था तो बर्ड्स पाली हमने, उनको एलर्जी हो गई उससे, उसकी वजह से उन्हें देनी पड़ी, तो वो बर्ड्स के ऊपर भी ऐसे ही किताबें पूरे घर में फैली हुई पाई जाती थी। तो मतलब मैं एक छोटे से एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ कि अगर वो कोई जानवर भी पालते थे तो उसके बारे में हर इन्फॉर्मेशन उनके पास होना ज़रूरी थी। तो कहाँ के वो जो बात वो कर रहे थे, जो बात वो कह रहे थे, उसके बारे में उन्होंने कितना कुछ ना जाना होगा या ना जानने की कोशिश की होगी, पूरी छानबीन सोच विचार के बाद वो कोई बात कहते थे, रैंडमली कोई बात नहीं कहते थे कि अच्छा ये पढ़ ली है समझ में आ गई कह दी, नहीं, हमारी तरह नहीं थे कूड़ टाइप मैं कहती हूँ कि हमको जल्दी होती है बात के इजहार की, उन्हें बात के इजहार की कोई जल्दी नहीं थी। दूसरी चीज़ ये कि तीसरी चीज़ ये कि मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिनके अंदर इतना ज़र्फ हो और इतना ठहराव और इतने जामे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, अपने आप पे यकीन हो कि वो अपने बच्चों को पलट के कहें कि नहीं तुम ठीक कह रहे थे। एक दफ़ा यहीं इसी घर में मेरी अब्बू से बहुत बहस हुई और झगड़ा हुआ और गुस्से में चले गए, घर से निकल के चले गए। मैंने कहा यार ये क्या मतलब, ये कोई तरीका है, और मैंने बहुत देर गुस्सा किया इस बात पे। थोड़ी देर के बाद वापस आ गए, खुद ड्राइव करते थे अपनी गाड़ी, थोड़ी देर बाद वापस आ गए। मैंने कहा क्या, कह रहे यार बच्चू मैं सोच रहा हूँ कि तुम ठीक कह रहे हो, ये बात ठीक है, ये जो बात तुमने कही है ये ठीक है। एंड ये वो कॉन्फिडेंस था जो उन्होंने हमें बचपन से दिया है कि हम जो भी बात हम समझ रहे हैं हमें ज़रूर कहनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, गलत हो सकती है सही हो सकती है, अगर गलत है तो उसे ठीक करना चाहिए, अगर सही है तो उसे ज़रूर आगे डिस्कस करना चाहिए, और अपनी गलती मान लेना और कहना कि तुम ठीक कह रहे थे। तो एक कॉन्स्टेंट लर्निंग का जो एक प्रोसेस था, और किसी से भी, और कोई ईगो का इशू नहीं था ये कि मैं अपनी बेटी से मैं कैसे कहूँ कि तुम ठीक कह रही थी, ये मैं कैसे कहूँ। ये क्वालिटी मैंने शायद ही किसी बाप में ऐसे देखी हो। दूसरे ये कि हमारे यहाँ खैर ये सोचना कि अब हमारे यहाँ बेटियों को ख़ास तौर पे कहा जाता है कि जी गुस्से को दबा के रखो, कम बोलो, बात ज़्यादा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो जब भी मैंने कहा कि नहीं ये मैं सोचूं मैं ना करूँ, तो कहते थे क्यों क्यों ना करो, ट्राई तो करो, कोशिश तो करनी चाहिए बच्चों। और एक दफ़ा मैंने कहा कि क्या मेरा गुस्सा यार बहुत बुरा है, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है, तो कहने लगे कि लेकिन बच्चों गुस्सा तो अच्छी चीज़ होती है, तुम्हारा गुस्सा तो तुम्हारे बारे में बेहतरीन चीज़ है, मगर इसे सही इस्तेमाल करना सीखो, सही जगह इस्तेमाल करना सीखो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके इसे ज़ाया ना क्या करो, कल्टिवेट योर एंगर फॉर बिगर बेटर थिंग्स, चैनलाइज इट, टेक इट टू बेटर थिंग्स। तो
इट इज इट्स रेयर दैट यू फाइंड अ फ्रेंड. Something that you haven't said and you passed away. Something that you really, really wanted to say. No. I don't think there was anything that I wanted to. You know, he was the kind of father. I felt very bad because I think उनकी जो जेनरेशन के लोग थे उसमें अब वो बहुत मुझे लगता था जैसे उनके कैलिबर के लोग अब बहुत कम रह गए और हम लोग उनके कैलिबर तक नहीं पहुंच पाते थे, तो उनके बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए लोग बहुत कम रह गए थे जो उनके लेवल पे आके बात कर सकें. मगर एट द सेम टाइम हिज एबिलिटी टू रीच आउट टू पीपल वॉज अमेजिंग. मतलब 15-16 साल के लड़के भी उनके जनाजे में शरीक थे और मैं कह रही थी ये कौन बच्चे हैं, वो कहते हैं अब्बू के दोस्त हैं. आई वाज लाइक ओके ठीक है, यू नो, एंड इट वाज क्वाइट पॉसिबल कि वो अब्बू के दोस्त हो सकते थे. तो एंड ही वॉज द काइंड ऑफ फादर जिनसे आप कुछ नहीं भी कहें तो उन्हें पता हो था. तो आई थिंक एंड आई वुड लाइक टू अज्यूम कि ही न्यू वॉट आई वॉन्टेड टू से.